डियर स्टूडेंट नमस्कार। स्टूडेंट आज इस वीडियो में क्लास सिक्स और इसका चैप्टर सिक्स जिसका नाम था मोर अबाउट एम एस एक्सेल 2010 इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला है इसका विच इज़ द फाइल ऑफ एम एस एक्सेल कार्ड। एम एस एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आंसर थर्ड सी ऑप्शन करेक्ट है, वर्कबुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ फार्मूला बार। इनमें से कौन सा फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, नेम बॉक्स। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू टाइप ए न्यू नेम ऑफ वर्कशीट। इनमें से कौन सा वर्कशीट को नया नाम देने के लिए यूज होता है, तो राइट आंसर है इसका रीनेम शीट। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू पेस्ट डाटा इन ए सेल। इनमें से कौन सा डाटा को पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो आंसर क्या है, पेस्ट कमांड। पांचवा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू इंसर्ट सेल एंड कॉलम्स। कौन सा इनमें से सेल और कॉलम्स को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो आंसर क्या है, इंसर्ट सेल ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग जो ब्लैंक में लिखी है समझ में नहीं आया, तो ये ऊपर जो स्पेलिंग लिखी है इसमें से देख लेना। ठीक है, एम एस एक्सेल इज़ ए, तो इसका जो ब्लैंक है उसमें आएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। सेकंड में कॉलम हेडिंग इज द टॉप बॉर्डर ऑफ वर्कशीट। थर्ड में नंबर्स डाटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 एंड सिम्बोलिक लाइक प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन। ठीक है, ETC। इसके बाद फोर्थ में फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑपरेटर एंड सेल एड्रेसेस। ठीक है, लास्ट में है रीडू कमांड यूज टू रिपीट द लास्ट स्टेप्स यू परफॉर्म्ड इन वर्कशीट। ठीक, अब सी पार्ट जो है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। तो पहला पार्ट है इसका एक्टिव सेल इज आल्सो नोन एज करंट सेल, तो ये आंसर क्या है, ट्रू। ठीक है, इसके आगे ट्रू लिखा है तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, स्क्रॉल बार इंडिकेट द करंट वर्कशीट, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, स्क्रॉल बार का काम होता है पेज को अप डाउन करने का। नेक्स्ट है टेक्स्ट कंटेन लेटर्स नंबर्स एंड स्पेशल करेक्टर, तो ये आंसर भी फॉल्स है, टेक्स्ट में सिर्फ लेटर्स होते हैं। फोर्थ है कंट्रोल की इज़ यूज टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट सेल, तो ये आंसर ट्रू है। कट कमांड इज़ यूज टू मूव कंटेंट फ्रॉम ए सेल टू अनदर सेल इन द सेम वर्कशीट और इन अनदर वर्कशीट, तो ये आंसर क्या है, ट्रू। लास्ट में डी ऑप्शन में आपको ट्रू मैचिंग करना है कॉलम ए से कॉलम बी को। मैंने ये लाइंस बनाए हैं बट आपको इनके सामने ही लिखना है। ठीक है, एम एस एक्सेल फाइल, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है इसका, वर्कबुक कहते हैं इसको। रीनेम सीट का मतलब होता है गिविंग ए न्यू नेम टू वर्कशीट, नया नाम दिया जाता है इसको वर्कशीट में। फिर आता है कट एंड पेस्ट कमांड, तो मूविंग टेक्स्ट। नेम बॉक्स में डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। तो आज इस वीडियो में इतना ही कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट में ई पार्ट बचा है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करने हैं वो हम सेंड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।